से पहले जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं बहुत सारे डॉग्स यहाँ पे देख रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी वो बंदा हाथ में आ गया जिसको ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान जानता है, कादिर भाई, जो कि ये शो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। इनकी बहुत सारी मेहनत है इस शो में। ये शो क्या है, क्यों है, वो कादिर भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई। कादिर भाई थैंक यू सो मच, आपसे तो जितना थैंक यू कहूँ कम है। कादिर भाई, इस शो के बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। भाई जी, ये आप देख रहे हैं जो शो है, इसमें हमने दो रिंग लगाई हैं। एक रिंग लगाई हमने जर्मन शेफर्ड की, दूसरी लगाई हमने ऑल ब्रीड की। सही, ठीक है। जो हमारा जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में BKU का, और BKU का हेड ऑफिस में वो रशिया में है, WKU जिसको हम कहते हैं, ठीक है। BKU के हैंड नीचे जो काम कर रही है GSDCB, जिसको जज कर रहे हैं साकिब इस्लाम राणा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और ऑल ब्रीड में जज कर रहे हैं हमारे फैसल डोगर साहब, जो प्रेसिडेंट है PKU के। सही 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 सही। अच्छा कादिर भाई, इस शो में अगर जैसे हम जर्मन शेफर्ड के रिंग में अगर हमें, तो इसमें क्या क्या चीज़ें नोट होती हैं जर्मन शेफर्ड? देखिए, जर्मन शेफर्ड में बहुत सी चीज़ें नोट होती हैं। जर्मन शेफर्ड में जब पपी क्लास में तो हम सिखाने के लिए बुलाते हैं, फिर उसके बाद जो अडल्ट क्लास आती है उसमें डॉग की ट्रोट देखी जाती है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड ट्रोटिंग डॉग है, ठीक है। इसकी फिर ट्रोट देखी जाती है, आइस कलर देखी जाती है, हेड कैरी देखा जाता है, ताकि ये अपने ओनर के साथ कितना हो, ताकि ओनर उसको कॉल करे तो वो ओनर को ढूंढे, बहुत सी चीज़ें देखी जाती है। अच्छा कादिर भाई, मैंने अभी देखा कि कुछ डॉग्स जो हैं वो मतलब थोड़ा सा समझे कि थोड़े से इरिटेट हुए थे और डॉग्स को देख के, तो क्या ये चीज़ काउंट होती है कि डॉग का बिहेवियर कैसा है? बिल्कुल, बिहेवियर भी देखा जाता है। ओके, बिहेवियर चेक किया जाता है, देखते हैं कि ओनर उसने रखा कैसे अपने डॉग। सही सही, ओनर के ऊपर काफ़ी डिपेंड। अच्छा कादिर भाई, पीछे ट्रॉफीज जो हैं ये मतलब किस हिसाब से डॉग्स को मिलती है? फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से मिलती है। और ये माइक में बोलना आपने, ठीक है। ये अभी देखें, इसमें हमारा बहुत सारी हैं, शायद स्कूल लाइफ में कभी कुछ। ये जो है ना SG1 की है, SG1 जो हमारी सबसे बड़ी क्लास चलेगी, ओपन क्लास जिसको हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद SG1 के अंदर भी जो है ना चार कैटेगरियाँ होती हैं। अच्छा, दो लॉन्ग कोट की, दो शॉर्ट कोट की, मेल फीमेल, ठीक है, चार ये ट्रॉफियाँ। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है ना छोटी ट्रॉफी होती है SG2, जो उस क्लास में नीचे आता है। अच्छा, उसके लिए हमने बाद की क्लास के लिए ये ट्रॉफी है। फिर इसी तरह जो हमारी क्लासें हैं बहुत सी, जो ये जो सबसे छोटी क्लास है ना, ये वाली है G1, ठीक है, सबसे छोटी क्लासें होती हैं। सही 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 सही। चलें कादिर भाई, थैंक यू सो मच। और लोगों की तरफ से भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फीडबैक जो मैंने लिया है, लोग बहुत खुश हैं, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये शोज़ वगैरह जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फॉर डॉग ओनर्स, फॉर द डॉग्स, और कादिर भाई लोग जैसे लोग जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो ये शोज़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। कादिर भाई, होपफुली इंशाल्लाह आप इस तरह के शोज़ जो हैं वो फुलफ़िल करेंगे आगे भी। और बहुत थैंक यू आप सर, हम तो आपको ढूंढते हैं, आपको तो पता है हमारे व्यूवर्स को कादिर भाई तो याद हो गए, तो सर थैंक यू सो मच। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड मज़ेदार लगी होगी, प्लस ये कि आपने एक नहीं दो नहीं